नवंबर से 30 नवंबर तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान घर घर दस्तक के तहत औलिया मस्जिद में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं व संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कोविड-19 को लेकर पहली डोज जिनकी छूटी हुई है उनका टीकाकरण सुनिश्चित करना और दूसरी डोज के लिए घर घर जाकर टीकाकरण करवाने के लिए लोगों को जागरूक करना मकसद रहा। कार्यक्रम में यूनिसेफ के डॉक्टर जमीर अनवर ने लोगों को आए हुओं को कोविड के बारे में और उससे बचाव की जानकारी दी। आगे किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है और टीका कैसे कौन लगवा सकता है पूरी तरह समझाया। कार्यक्रम में आकाशवाणी से मोहम्मद आरिफ सेंटर फॉर ह्यूमन राइट एंड वेलफेयर सोसाइटी सेक्रेटरी सरोज खान, औलिया मस्जिद के सेक्रेटरी गुलाम साबिर खान, JNU HAD स्कूल ऑफ सोशल साइंस की डॉक्टर वीना द्विवेदी, मनीष सिंह सेक्रेटरी मंजरी संस्थान, BJP पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद रईस कुरैशी, PhD कर रही दिव्यांशी सहित संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये यूनिसेफ के सहयोग से और ओलिया कमेटी और CFHRW इनके संयुक्त तत्वाधान में हुआ है और उसमें मुख्य ये रहा कि कोविड से थोड़ा सा गया है कोविड अभी, पर अभी पूरा गया नहीं है, इसलिए सब लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो हमारा बस्तियों में काम है वहीं की कम्युनिटी लीडर्स को हमने बुलाया है कि वो अपने अपने एरियाज में जाके इसको बताएं और बताएं कि कोविड ही नहीं जीका और डेंगू का भी जो फैल रहा है तो सावधानी ही बचाव है। सबसे ज़्यादा तो हम स्वच्छता रखें घर परिवार और अपने एरिया में, और साथ ही कोविड के जो जिस तरह के डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है जाति धर्म को लेके, उसको साथ में गरीबी मेरी बस्तियों और जगह पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी जहाँ पे सफाई का कम हो रहा है तो वहाँ हमारा लगातार अवेयरनेस का चल रहा है। और इसी में हमने जो ये लोगों को कोविड के बारे में सारे राजस्थान को ये लोग अवेयर कर रहे हैं तो इनको इसीलिए बुलाया गया कि हमारे लोगों के बीच में जाए तो इसका प्रभाव कम हो सके। आपका नाम और डेजिग्नेशन? सरोज खान, सेंटर फॉर ह्यूमन सोशल वेलफेयर। और मेरे को ऐसा लगता है कि समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इससे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ी प्रोत्साहन भी मिलेगी और थोड़ी जागरूकता भी आएगी ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें, बस्तियों में जाके अपने मोहल्लों में। और जैसे अभी बीच में हम लोगों ने हमारे पार्षदों को भी यूज़ किया साफ सफाई के लिए, उनको इसका ध्यान दिलाया, कई जगह ऐसा रहा है कि पानी वानी रहा हो, कुछ बच्चों को भी साफ सफाई के बारे में बताते हैं कि बेटा थोड़ा सा जब घर से आओ तो साबुन से हाथ वगैरह धो के आओ, जाओ तो हाथ मुँह धो के फिर अंदर घर में प्रवेश करो। पढ़ाई के दौरान भी थोड़ा डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाता है। और जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने काम किया काफ़ी टाइम, स्टार्टिंग से मैं तो सक्रिय रहा हूँ बस्तियों में जा जा के लोगों को जो जरूरत थी, कहीं राशन भी पहुँचाए हैं तो कहीं तेल साबुन भी पहुँचाया है, कहीं जरूरत थी तो दवाइयाँ भी पहुँचाई गई हैं। तो हमें लगता है इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए ताकि यहाँ लोगों को मैसेज आए और इससे वो लोग थोड़ा सा जागरूक हों, और हमें अपने आप पर ही इसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया और आपने सुन लिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं, उसको अमल में लाना पड़ेगा। Thank you.